दो लाइनों से तो आप सभी वाकिफ होंगे और मैं दो लाइनें बताना भी चाहती हूँ। हालांकि इंटरनेट का ज़माना है, सभी ने देखी होंगी कि क्या रखा है, खूबसूरती में नज़रें जिसे चाहें उसे हसीन कर देती हैं। अब इसी से मिलती जुलती दो लाइनें मैं आपको और बताना चाहूँगी कि हर तरफ क्रिएशन है, हर तरफ क्रिएटिविटी है, बस देखने वाला चाहिए। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में, जब भी प्रमोशन की वीडियोज़ हम लेके आते हैं या जितनी भी चीज़ें नई आ रही हैं, जब उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ ना क्रिएटिविटी की कमी है और ना टेक्नोलॉजी की कमी है, बस सिर्फ उसे देखने वाला चाहिए और उसे आंकने वाला चाहिए कि क्या सच में इस क्रिएटिविटी में हम और क्या क्रिएशन लेके आ सकते हैं। तो अभी कुछ बताने से पहले, या अभी जिनके यहाँ पर हम आए हैं और आज के जो हमारे नए मेहमान हैं उनसे मिलवाने से पहले, मैं एक बार आपको अपने आसपास का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस पूरे ऑफिस में जिस जगह में बैठी हूँ वो पूरी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, यहाँ तक कि मैं कर्टन्स की बात करूँगी, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे जब पूरे हम बात करेंगे अपने नए मेहमान से। तो सबसे पहले तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक बार अमन जो दिखाइए, उसके बाद में इंडिविजुअल आपको हर चीज़ें दिखाऊँगी, टच करके दिखाऊँगी कि सच में ये रियल में है, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब शुरुआत करते हैं कि आज मैं किस क्रिएटिविटी की बात करती हूँ। हम सभी को अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और वो सभी चीज़ें हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती हैं। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग एवरेज टाइप के क्रिएटिव होते हैं। तो घर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो सभी को अपने लिए एक बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, आलीशान और एक बेहतरीन घर चाहिए होता है, लेकिन उसमें भी हम सबको क्रिएटिविटी चाहिए होती है। लेकिन हमारे लिए वो जो हमारे सपनों का घर खड़ा करते हैं, ऐसे एक आर्किटेक्ट से मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ। गोयल साहब जी हैं, जब वो आएंगे तो हम आपको उनका पूरा नाम बताएंगे। तो अभी भुवेश गोयल जी आप अभी आ सकते हैं, अभी भुवेश गोयल जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो गोयल साहब, पूरी क्रिएटिविटी हमने दिखा दी है, अब बस है कि आपको सिर्फ उसको बयां करना है और मुझे बताना है कि ऑटोमेटिक ये पूरा ऑफिस आपने किया हुआ है। और सबसे पहले मैं पत्थर की बात करूँगी, हालाँकि उसको इंडिविजुअली हम बाद में जाके दिखाएंगे। तो ज़रा बताइए कि लोगों के सपनों का घर और लोगों के सपनों की काम की बिल्डिंग को आप किस तरीके से तैयार करते हैं, और आपके माइंड में इस तरह के आइडियाज़ आप कहाँ से लेके आते हैं, कोई इंस्पिरेशन है, या आप सच में आने वाले जो हमारे यूथ हैं उनके लिए आप इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं? मैम, एक्चुअली अपना शुरुआत से एक एम था, सभी आर्किटेक्ट्स का वैसे एम होता है कि कुछ हटकर करना है, कुछ नया करना है। बट मेरा जो एम था वो कुछ दिमाग में कॉन्सेप्ट चलते थे कि यार नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, रात को जो मैं सोता भी था तो कुछ दिमाग में हरकतें चलती रहती थी कि भाई हाँ नहीं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। खैर, मेन चीज़ ये थी कि जब मैं रुड़की में शिफ्ट हुआ तो आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, बट द थिंग इज़ कि इंटीरियर पर लाइक क्लाइंट समझते हैं कि इंटीरियर आर्किटेक्ट कुछ अलग होता है, बट एक्चुअली आर्किटेक्चर जो होती है वो उसमें इंटीरियर ऑलरेडी होता है। तो वो चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था कि अपार्ट फ्रॉम प्लान अप्रूवल और प्लानिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा भी एक आर्किटेक्ट को जो नॉलेज होनी चाहिए इंटीरियर की, वो मैं कैसे यहाँ पर एज अ न्यू कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, क्या मैं शहर के लिए अलग कर सकता हूँ। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं एंड उनको आर्किटेक्ट्स की नीड होती है, तो दे गो फॉर दिल्ली पुणे, तो वो कमी अपने शहर में खलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोयल जी मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि आपने कहा कि लोग आर्किटेक्ट को समझते नहीं, और मेरे हिसाब से वो जितना समझते हैं कि बस अपना नक्शा पास करा दिया, अपना घर बना दिया, दैट्स ऑल। तो उस क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हैं? देखिए, मुझे यहाँ पर 3.5 से 4 साल हो गए हैं एंड मेरा एक बहुत छोटा सा ऑफिस था, बट क्लाइंटेज बहुत अच्छी थी, क्रीम क्लाइंटेज थी एंड मुझे फील हुआ कि जब तक आर्किटेक्ट का खुद ऑफिस अच्छा नहीं होगा तो क्लाइंट भी कैसे उसके टैलेंट को समझेगा। मतलब क्रिएटिविटी पहले दिखनी चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब क्लाइंट कोई भी, मतलब लाइक बाय रेफरेंस आते थे मेरे पास, काम करवाया, अरे आपका तो टेस्ट बहुत अलग है, बहुत ये चीज़ें हैं वो चीज़ें, आप अपना ऑफिस क्यों नहीं करते। तो मेरे को शहर में रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश में वो कैलिबर लगी कि हाँ हम कुछ अपना हटकर ऑफिस बनाएंगे तो देयर इज समथिंग वर्थ, और इस शहर के लोग इस चीज को समझ सकते हैं। सो इसलिए आप रिस्क कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैंने जितना भी यहाँ पर अपने ऑफिस, इट्स अ 2-फ्लोर ऑफिस, और इसमें मैंने एक एक चीज लाइक बाय आर हैंड बनवाई है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बाय परचेज हो। सो हमने इसमें
हर एक तरह के लोगों का ख्याल रखा है, हम्म, इकोनॉमिकल क्लास वालों का भी एंड हाई क्लास वालों का भी एंड लग्जरियस क्लास वालों का भी। ये ना हो कि कोई हमारे ऑफिस में आकर ये कहे कि सिर्फ ये लग्जरियस चीज़ है, यहाँ पर 50 रुपये फुट से लेकर 2000 रुपये फुट तक की हमने हर चीज़ का ख्याल रखा है कि ताकि लोग नई चीज़ को सराह सकें। ठीक है, मतलब आपका काम करने का तरीका जो है वो डाउन टू अर्थ से स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने बात की कि किस तरह से ये शुरुआत हुई, तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, गोयल जी बताना आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, कि जो हम काम करते हैं सबसे पहले वो आपको समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली। उसके बाद ही लोग हमें प्रीफर करेंगे। एग्जैक्टली। आजकल थोड़ा सा चलन हो गया है कि पहले क्या, जो पहले जमाने में क्या होता था कि पहले टैलेंट को देखते थे फिर उसकी शख्सियत को देखते थे, आजकल क्या हो गया है कि पहले शख्सियत को देखते हैं फिर टैलेंट को देखते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए हमारा वरना माइंड ऐसा कुछ नहीं था कि हम शो करें कुछ करें, एंड हम वेरी हिडन वे में वर्क कर रहे थे। रुड़की में भी और हरिद्वार में भी काफ़ी लोग हमें जानते हैं, हर तरीके से जानते हैं, बट हमें जब लगा कि ठीक है वी हैव टू शो, हमें शो करनी चाहिए चीज़ें कि हम किस लेवल पर वर्किंग कर सकते हैं, सो हमने ये चीज़ें करी। तो जैसे उन्होंने बताया कि जो दिखता है वही बिकता है, तो आपको लगा कि पहले दिखाना चाहिए, बेचने Exactly. की बात तो बाद में आएगी। तो उनकी बात सही है कि भाई शॉप सिर्फ कहने की चीज़ नहीं है, उसको हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट। तो मुझे ये बताइए भाई, जब हम आ रहे थे तो कोई प्रोग्राम है कल आपके यहाँ, किसी चीज़ का इनॉग्रेशन है? हाँ, मेन मोटिव यही था कि इनॉग्रेशन का, कि लोगों को मैं दिखाना चाहता था कि एक आर्किटेक्ट की छवि कैसे हो सकती है, जो छवि आर्किटेक्ट की बाहर NCR और पुणे बेंगलोर साउथ में है, जो होनी चाहिए। आजकल अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, यूट्यूब्स पे भी बहुत अच्छे लेवल पे डिस्प्ले हो रहे हैं, वो मैं अपने उत्तराखंड के लिए करना चाहता था। एंड भगवान की दुआ से काफ़ी सीनियर आर्किटेक्ट्स ने भी मेरे को अप्रिशिएट करा है उन चीज़ों के लिए इन 3-4 सालों में, एंड वैश्य समाज ने भी अभी मुझे सम्मानित किया है इसी चीज़ के लिए कि मैं कुछ शहर के लिए बहुत अच्छा ला रहा हूँ। एंड वही मेरा प्रयास कल को भी है कि 4 लोगों को जो मैंने बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे कुछ उनसे कुछ चाहिए या कुछ, बट द ओनली एक्सपेक्टेशन इज कि वो शहर में कुछ नया हो रहा है उस चीज़ को देख लें। बिल्कुल। तो मैं भी सभी लोगों से, जितनी भी वीडियोस देखेंगे, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि क्रिएटिविटी क्या होती है, और जैसे उन्होंने बताया कि दे हैव टू शो, तो एक बार विजिट करने ज़रूर आएँ, और उसके बाद कल इनोग्रेशन के बाद आप एक बार ऑफिस में ज़रूर विजिट करें, और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रियल में ये सब कुछ रियलिटी में है और क्रिएटिविटी होती है, और क्रिएटिविटी में और कितने चार चांद लगाए जा सकते हैं वो भुवेश गोयल जी ने हमें बता दी है। अभी हम नीचे भी दिखाएंगे, फिलहाल यहाँ पर हमने शूट के लिए रखा था, तो अभी बहुत सारी चीज़ें सर आप बताना चाहें इंडिविजुअली, वो बता सकते हैं। हाँ श्योर। बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर, ये मेरा अपना पर्सनल आप ऑफिस है बेसिकली। इसमें मैंने शुरुआत करते हैं स्टेयर केस से। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा किसी भी बिल्डिंग का सो इंडिविजुअल चीज़ें दिखाने के लिए हम लोग आ गए हैं, तो भुवेश स्टार्ट करिए। ये फर्स्ट फ्लोर है एंड दिस इज माय पर्सनल स्पेस, एंड मेरी कंपनी का नाम स्टूडियो है। सो स्टूडियो इसलिए है क्योंकि न्यू स्टूडियो, नेस्ट स्टूडियो। ओके। हाँ, नेस्ट स्टूडियो किसी भी आर्किटेक्ट के बेसिकली कंपनी नेम आपने देखा होगा, एसोसिएट्स करके होता है। तो मेरा बेसिकली एम नेस्ट स्टूडियो करके इसलिए था कि मैं ये दिखाना चाहता था शहर को कि कलेक्टिवली जब आइडियाज को हम कलेक्ट करते हैं तो कितना अच्छा आउटपुट निकलता है। मेरा माइंड जो है वो तो है ही, एंड इतने सालों में मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो अकेले नहीं है, वो सबके साथ है। सो मेरा माइंड एक ही चीज कहता था कि स्टूडियो, तो स्टूडियो एक ऐसी जगह होती है जब आप सेंट्रली प्लेस्ड करके चीजों को कलेक्टिवली आइडियाज क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। सो एक छोटा सा एग्जांपल उसका ये है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ रहा हूँ एंड हमारी जो सारी लाइट्स हैं वो टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन स्विच बोर्ड्स हैं, इससे हमारी सारी लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। एंड अब क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का फ्लोर एंड सीलिंग एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल। तो फ्लोर को, अगर आपका फ्लोर एंड सीलिंग बहुत जेनेटिकली बहुत अच्छा है तो आपकी हर चीज एम्बियंस में बहुत ही एनहेंस करती है। सो मेरा फ्लोर इज लाइक अ इटालियन फिनिश, दिस इज अ स्टोन। जो बात स्टोन की होती है रगड़ाई के बाद वो किसी चीज की नहीं होती। आई पर्सनली फील, मैं क्लाइंट्स को भी अपने ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पत्थर लगा रहे हैं तो पत्थर की बात ही अलग है। टाइल्स कल को फेड हो जाती हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी टाइल्स लीजिए, आजकल अच्छी टाइल्स भी पत्थर के मुकाबले ही हैं। सो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के फैक्टर में, सो दिस इज इटालियन। एंड ऊपर हमने कॉस्टिंग बचा ली है, ऊपर हमने प्लेन सीलिंग ली है, एंड दिस इज द प्लेन सीलिंग।
जिसमें हमने सिर्फ खर्चा लाइट्स में करा है. ये जो लाइट्स हैं, दीज आर मैग्नेटिक लाइट्स. ये कॉन्सेप्ट हम विदेश से लाए हैं. ये बॉम्बे से आती हैं लाइट्स. इसमें 50-100 टाइप्स ऑफ लाइट्स लग सकती हैं एज पर एप्लीकेशन. ये सारी लाइट्स मैग्नेट से लगी हुई हैं. जैसे ये स्पॉट लाइट है, दिस इज अ एलईडी फ्यूजन लाइट, एंड दिस इज अ वॉशर लाइट. तो इसकी एप्लीकेशन सारी लाइट्स की अलग है. जैसे हमें स्पॉट्स चाहिए था इस वॉल पे, तो दिस इज अ स्पॉट लाइट. नाउ कमिंग टू द वॉल्स. वॉल्स का बेसिकली ये रोल प्ले था, क्या होता है कि दीवार पे लाइक हम इंटीरियर्स करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर कौन सा वॉलपेपर आप चूज करोगे. तो मैं कहता हूँ कि मैम वॉलपेपर इंटीरियर्स में आता है क्या? एग्जैक्टली. आप उसके लिए तो किसी भी प्लाईवुड शोरूम पे जा सकते हो और आप वॉलपेपर वहां सेलेक्ट कर लो जी. फिर आपको आर्किटेक्ट की क्यों जरूरत है? सो किसी भी इंटीरियर्स करने के लिए अगर आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट को हायर कर रहे हैं सो वो आपको गाइडलाइन दे अगर कुछ अच्छा करने के लिए. तो वही चीज मैंने यहाँ शो करी है. दिस इज अ प्लाई बेस, एंड ये प्लाई बेस जो है उस पर पॉलिशेबल हमने बोर्ड यूज करा है. इस पे हमने इम्पोरियो फिनिश की मैट पॉलिश करवाई है जिससे एक बहुत ही डिसेंट लग्जरी फील आता है. जैसे आपने विदेशों में देखा होगा मूवीज चलती हैं तो उनकी पीछे की जो वॉल होती है उसमें ऐसी फिनिश रहती है एक रोमन लुक में, तो वो मैंने क्रिएट करा है. अच्छा, अपनी जो टीम है उनके पास सारी मशीन है काम करने की, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब रोटर मशीन से सारा काम करा है. ये ग्रूव्स जो बनाए हैं सारी मशीन से बनाए हैं हम लोगों ने, एंड इस दीवार का अलग ही प्ले करा है. ओके, नाउ कम टू द फर्नीचर. एक बार फर्नीचर की बात कर लेते हैं. ये बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा स्टूडियो, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आया है, कोई भी आदमी आया है, तो कभी कभार क्या होता है कि एक आपको थोड़ा सा कैजुअल माहौल भी चाहिए होता है. जब आप किसी से जुड़ जाते हैं किसी के अच्छे प्रोजेक्ट में, बिल्कुल, तो आपको थोड़ा सा लगता है ना कि यार आप फॉर्मली ना बैठो, आप थोड़ा सा कैजुअली बैठो. बिल्कुल. सो टू फील दैट थिंग मैंने ये सोफा बनवाया है. ये हमने खुद ही डिजाइन करा है, इसके फैब्रिक भी हमने खुद ही डिजाइन करी है, खुद अपना प्रोडक्शन में हमने सब कुछ काम करवाया. इसमें मैंने बाहर प्योर लेदर लिया है एंड अंदर इम्पोर्टेड कपड़ा लिया है. उसका रीजन है, बाहर जो काम होता है वो रफ टफ होता है, बिल्कुल, कल को ये दीवार पे लग जाए कहीं लग जाए तो ये फटे ना, तो वो कपड़ा जो होता है वो फट जाता है, और अंदर आपको एक फील चाहिए स्मूथ. तो ये कॉम्बिनेशन मतलब उसी हिसाब से मैंने सिलेक्शंस कर रहे थे हम लोगों ने, बिल्कुल इसी हिसाब से काम करा है. तो एक बार हमें कर्टन्स की तरफ ओढ़ लेके चलिए. अब हम कर्टन्स की तरफ आते हैं कि हमने इनको बंद करा लिया था, लेकिन अब बेसिकली हम इनको खुलवा के देखना चाहेंगे. बिल्कुल, सब कुछ हमारे ऑफिस में टच स्क्रीन. सो अभी जैसे मैंने बोला कि हाँ ये ऑटोमेटिक और टच स्क्रीन बेस्ड है सब कुछ, तो अभी फिलहाल हमारे कर्टन्स खुल चुके हैं और बाहर का हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जस्ट Hold it. This is the panoramic view. एक पूरा व्यू जो आपको चाहिए. ये आपको जब पूरा व्यू मिल जाता है सो यू फील द स्पेस. ये बहुत छोटी सी स्पेस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी स्पेस है. दिस इज ओनली 15x20 वाली स्पेस. लेकिन जब आप 15x20 वाली स्पेस को एक लार्ज विंडो से आप एनहेंस कर दो तो देखिए आप कितना सुंदर व्यू दिखता है. Obviously. तो आपको बहुत खुला खुलापन लगता है, आप घुटन में नहीं रहते हैं बेसिकली. अच्छा, मैं वास्तु को बहुत मानता हूँ, 32 पद पर काम करता हूँ और टेक्निकली मतलब टेक्निकली बात करें तो थर्मल इंसुलेशन बेस्ड वर्क करता हूँ सारा, तो वो तो चीज अलग हो गई. बट एम्बियंस की बात करें तो वो सब चीजें उन प्रिंसिपल्स को सूट करती है. बिल्कुल. अब आपकी चेयर्स की बात कर लेते हैं. मैं चेयर्स पे भी बैठी थी तो काफी कंफर्टेबल थी और मूविंग चेयर थी. जैसे कि हम सभी को पता होता है कि काम करते वक्त घूमो या फिर एक अच्छी एक वीआईपी वाली वाइब आती है जब हम लोग मूविंग चेयर पे बैठते हैं. तो चेयर का स्ट्रक्चर भी आपने खुद डिजाइन किया था? एग्जैक्टली, ये हमारी टीम ने डिजाइन करा है. और देखिए मैंने मेरे मुंह में ना गलती से खुद ही निकल जाता है टीम, क्योंकि मेरे एक कलेक्टिव दिमाग में रहता है कि टीम होनी चाहिए. आप सारा क्रेडिट खुद को नहीं देते हैं, वो मेरी आदत है. बिल्कुल. तो बेसिकली दिस इज अ प्योर लेदर. अच्छा, ये डिजाइन बनाने का रीजन ये था, कोई क्लाइंट आया है उसको मुझे झुलाना थोड़ी है. बिल्कुल. तो मेरा एक मोटिव यही था कि हम इसको फिक्स्ड रखेंगे इसके लेग्स, कि ताकि वो अगर उसका झूलने का मन है तो वो गोल गोल झूल सके. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो दिस इज अ प्योर लेदर विद इंपोर्टेड फैब्रिक कुशन्स. बिल्कुल. अब बात करते हैं पिलर्स. मेरी इस छोटी सी स्ट्रक्चर में चार पिलर्स हैं. बिल्कुल.
कॉलम्स बेसिकली, उन कॉलम्स को क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, प्लाई लगा दी उस पर, नॉर्मल क्लैडिंग कर दी पीवीसी की, वो बहुत भद्दी लगती है और बहुत अच्छे अच्छे घरों में मैंने देखी है, और उनकी कॉस्टिंग इससे भी बहुत ज़्यादा होती है। हमने क्या करा है, नदी के बेसिकली स्टोन लिए हैं, नदी के जो स्टोन लिए हैं हमने, उनको अपने कारीगर से मसूरी से बुलवाकर पूरा प्रॉपरली जो है हमने मैशन से ये काम करवाया है। तो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं उनको काट कर, उनको प्रॉपरली जो ट्रीट कर कर इन पे चिनाई होती है इन पत्थरों की, टू फील द नेचुरल लुक। ओके, अभी ये हमने, अभी और कुछ बचा हुआ है उधर जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहें, दिखाना अभी तो मैंने चाहें? सारा बजट फ्रेंडली वर्क दिखाया है, कहीं कहीं हमारे को पूरे घर में भी या कुछ भी है तो हमने जस्ट कहीं कहीं हमने कॉस्टिंग फैक्टर लगाया है। वो कॉस्टिंग फैक्टर बस ये टेबल है, दिस इज माय मेन टेबल एंड दिस इज अ डिको पॉलिश। ये पॉलिश नो डाउट कॉस्टिंग फैक्टर है, और ये पत्थर भी जो है ये ऑनिक्स है, ये भी कॉस्टिंग फैक्टर है नो डाउट। बिल्कुल, इस ऑनिक्स एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें से लाइट निकलती है, सो वो अलग ही हाईलाइट होता है, अलग ही शोकेस होता है, एंड वही सेम हमने पत्थर जो है दीवार पे भी लगा दिया है। इसके दोनों तरफ दिस इज द विनियर। वैसे काफी अच्छे क्लाइंट्स जानते हैं कि विनियर क्या होता है। विनियर एक बेसिकली टिक प्लाई होती है जिसपे लकड़ी के रेशे होते हैं। मैंने स्पेशली कंपनी से कहलवा कर राजस्थान से 7 तरह की लकड़ियाँ इसमें एनकम्पोज करवाई हैं, जिसपे मैंने पूरा पॉलिश का वर्क लिया है। ये नेचुरल पॉलिश है 7 तरह की लकड़ियों पर। सिर्फ लकड़ी का जो कलर है वो हमने टिंट करवाया है कि ताकि अलग अलग तरह के लकड़ी के रेशे आराम से दिख जाए। एंड दिस इज द मॉडर्न वार्डरोब। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ इसमें अलग है, बट हाँ मैंने इन चीजों को एक साथ करके काफी कलेक्टिव करके एक अच्छी वॉल बिल्ड कर दी है। बेसिकली द गेम इज ऑफ आइडियाज। मैं अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं है, बट कॉस्टिंग को सही तरीके से यूटिलाइज करना मेरा मेन आइडिया था। बिल्कुल, सब कुछ आइडिया का खेल है। अभी हम एक फ्लोर हमने लिया है, अभी हम नीचे जाके जी दिखाएंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो अभी हम नीचे की तरफ आ गए और अब नीचे से हम अंदर जाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि अंदर सर ने नीचे वाले फ्लोर पे कितने क्रिएटिविटी की हुई है। गोयल साहब बताना शुरू करिए। ये हमारी एंट्रेंस है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। ये आपको एलिवेशन दिख रहा होगा। हमने एलिवेशन में बहुत ही सिंपल वर्क करा है। ये हमारे पहाड़ी पत्थर हैं जो हमारे मैसन्स ने लगाए हैं, एंड इनको प्योरली हमने थोड़ा सा सिंपल लाइटनिंग्स लेकर एलईडी हमने इसको एनहेंस करा है। अब हम अंदर आ रहे हैं। दिस इज द डबल डोर। इसकी जो है बेसिकली डिको पॉलिश हुई हुई है इस पर, एंड हमने फॉर सिक्योरिटी पर्पस ये मेटल डोर लिया है। इस पर मेटालिक पॉलिश करी हुई है कि ताकि कल को किसी को भी ये फील ना हो कि ये मतलब बेसिकली मेटल डोर है। सो अभी अंदर एंटर हम लोग हो चुके हैं, तो उसके बाद गोयल जी बताना शुरू करिए कि यहाँ पे क्या क्या डिजाइनिंग, क्या क्या क्रिएटिविटी दिखाई हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कंपनी का नाम स्टूडियो है, सो ये हमने सबसे मेन की फैक्टर था जो मेरा एम था, एक सेंटर टेबल बनाना लंबी। दिस इज अ 9 फिट 6 इंच, 9.5 फिट की टेबल बनाई है हम लोगों ने यहीं पर ही ऑन साइट, और इस पर पत्थर क्लैड करा है। इस पर सारे स्टाफ की सिटिंग है, एंड कि ताकि एक कलेक्टिवली हम यहाँ पर आइडियाज को कलेक्ट कर सकें और सब लोग डिस्कशन पे आ सकें। बिल्कुल, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिसेज में एल शेप की वार्डरोब होती है, उस पर स्टाफ बैठते हैं, एंड वो चीज़ हम लोगों ने नहीं करी है। हमने सबको सेंटर पे लिया है। दिस इज द मॉडर्न पेनेट्री। ये एक तरीके से हमने जानबूझ के इंट्रोड्यूस करी है ये चीज़। कुछ लेडीज को दिक्कत होती है छोटी सी पेनेट्री को यूज करने में कैसे बनाएं, तो आप भी इसको मैंने देखा आप ट्राई कर देख सकते हैं इसको। एंड बेसिकली सो ये हमारा ऑफिस बॉय, हमारा ऑफिस बॉय जो है वो आराम से यूज करता है, और क्लाइंट हाथों को ज्यादा कस ना दे, बस उसको मूव करके, हाँ एग्जैक्टली कैसे भी आप कर सकते हो उसको रोटेट। सो हमने सहूलियत को भी देखा है एक तरीके से, एंड सबसे मेन चीज थी, मैं डिटेलिंग्स पे बहुत जाता हूँ इंटीरियर्स की। सो मेरा एक मोटिव था कि कोई भी ऑफिस में आया तो उसको जरा सा भी फील ना हो कि कोई भी चीज वियर्ड है बेसिकली, मतलब कोई भी चीज गलत बनी हुई है या सहूलियत अनुसार नहीं है। तो अगर आप यहाँ बैठेंगे, आप प्लीज बैठिए,
मैं जब आई तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसे मैंने बताया ऊपर की कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, चेयर भी। और सबसे मेन चीज़ है, जब आप यहाँ बैठेंगे तो आपको सामने एक छोटी सी बिल्कुल बिल्कुल शेल्फ दिखेंगे जो हमने अपनी टेबल पर ही बनाए हैं। सो मैगजीन्स किसी को पढ़नी है, किसी को कुछ आर्किटेक्चुरल चीज़ें पढ़नी है, तो ये मेन था। ये भी हमने सब कुछ फैक्ट्री से अपना डिज़ाइन देकर बनवाई है ये सब चीज़ें। एंड वही सेम कॉन्सेप्ट पे हमारी वार्डरोब्स और भी बनी है, कंसोल यूनिट्स वगैरह। तो दीज आर वीनियर, पॉलिश वर्क है सारा। अब आते हैं टॉयलेट पर। टॉयलेट एक ऐसी जगह होती है कि जब आप जाते हैं तो आपको फ्रेश फील करना चाहिए बेसिकली। अगर आप फ्रेश नहीं फील करेंगे तो काम भी नहीं करेंगे ढंग से और फिर क्लाइंट्स भी ऐसे फ्री माइंड से नहीं रहेंगे। सो हमने बहुत ही कूल डिजाइन लिया है टॉयलेट में। दिस इज द डिजाइन। इसमें सिर्फ हमने थोड़ा कॉस्टिंग वाला जो काम कराया है वो ये है, हम लोगों को दिखाना चाहते थे कि ये पत्थर की चौखट है एंड दिस इज इटालियन चौखट जो हम लोगों ने यहीं बनवाई है, पॉलिश करवाई है इस पर प्रॉपर बफिंग वगैरह करवा कर। एंड उसके बाद हमने सस्ता काम क्या करा है, हमने ये कंपोजिट इंडियंस है वो तो बनता ही था तो ये फैक्ट्री मेड काम करवाया हमने बेसिकली। तो इसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है, बट ये है कि हमने इसको लगाया बहुत तरीके से है। सो ये इसको इटालियन के साथ एनहेंस कर रहा है जी। एंड जब आप एंटर करते हैं तो मेरे कुछ वास्तु प्रिंसिपल्स भी थे, यू शुड सी द मिरर। तो ये जो मिरर है, अब नॉर्मल मिरर में लगा सकता था बट मैंने थोड़ा सा इसमें जो है कॉस्टिंग लगाकर इसमें लाइट सेंसर बेस्ड करवा दिया कि ताकि ये एनहेंस करे पूरे टॉयलेट को। एंड दिस इज द स्टोन जो हमारे ऊपर भी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कट पीस बच जाते हैं, अब उस कट पीस को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मटेरियल को, क्योंकि ये कॉस्टिंग फैक्टर था तो मैंने इसको वेस्ट नहीं करा। बिल्कुल। मैंने इसको टॉयलेट में ऐसे यूज कर लिया। एडजस्ट करना तो कोई इंडियन से सीखे तो ये चीज है बेसिकली। एंड मैंने यहाँ नीचे सीलिंग नहीं करवाई, सीलिंग का खर्चा बचा लिया। तो दिस इज द नॉर्मल पेंट लिंटर पर। एंड मैंने इस पे जो कॉस्टिंग मेरा जो फैक्टर है वो चैनल्स है, लाइट्स पे हमने खर्चा करा है। दीज आर मैग्नेटिक लाइट्स जो चैनल्स जो हैं हमारे बेसिकली इस स्पेस को बहुत ही एनहेंस कर रहे हैं। ओके तो ये था बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा आर्किटेक्ट की क्रिएटिविटी जो मैंने आपको बताई कि वो सपनों का घर से लेकर आपको आपके सपनों के काम की बिल्डिंग से लेकर आपको ऑफिस तक सब दे सकते हैं। तो सब खेल आइडियाज़ का है और सारा खेल क्रिएटिविटी का है। यहाँ पर देखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा है। और कल यहाँ पर इनॉग्रेशन है, जो गैदरिंग है, एक बार उसके भी क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी का, किस तरह से अपनी क्रिएशन का जो है वो शो यहाँ पर चल रहा है। और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सब चीज़, जैसे गोयल साहब ने बताई कि सहूलियत के साथ, कंफर्टेबल के साथ सब कुछ बहुत अच्छे से था। एक बार बताइए आपको कैसा लगा। तो जैसे मैंने एक लाइन बोली थी कि जो हम काम करते हैं वो आपको समझ आना चाहिए, तभी आप लोग हमें आइडियाज़ देंगे और तभी आप लोग प्रीफर करेंगे। तो आर्किटेक्ट सिर्फ घर बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए नहीं है, वो आपके सपनों को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, वो आपके सपनों को एक डिज़ाइन दे सकते हैं।